में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। पर शैतान एक धूर्त सांप की तरह आया और आदम और हव्वा की परीक्षा ली। कहा, इन पेड़ों के फलों को मत खाओ? सांप ने हव्वा से पूछा। केवल बीच वाले पेड़ से, हव्वा ने जवाब दिया। अगर हम इससे फल खाएं तो हम मर जाएंगे, सांप ने कहा। यहाँ पर एक कारण है कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम इस पेड़ से खाओ। अगर तुम खाओगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। जो वो जानता है, तुम फल खा लिया। उसने कुछ आदम को भी दिया जो उसके साथ था, उसने भी इसे खाया और एकदम से उन्होंने वो जाना जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। वो ये कि वो नंगे थे। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़ कर सिल लिया। उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस नहीं किया था, इसलिए वो जानते थे कि कुछ गलत हुआ है। वाह! परमेश्वर ने आवाज दी। हम छिप रहे हैं, आदम ने कहा। हम नंगे हैं। तुम इसलिए ये जानते? परमेश्वर ने गहरी सांस ली। तब आदम ने हव्वा को दोष दिया और हव्वा ने सांप को दोष दिया। परमेश्वर ने कहा, सांप, तू पेट के बल चलेगा, एक स्त्री का पुत्र तुझे हराएगा। हव्वा, संतान पैदा करना कठिन होगा। आदम, अन्न उगाना मुश्किल होगा। आदम और हव्वा के लिए कपड़े बनाए और उन्हें बाग से बाहर भेज दिया। उसने एक ज्वालामय तलवार के साथ एक स्वर्गदूत को वहां पर रखा ताकि वो वापस ना आ सकें।